ऑलरेडी हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस देख चुके हैं एनसीईआरटी बुक में, फिर भी थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज एनी इक्वेशन दैट कंटेन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लाइक 2 sin x इज इक्वल टू 1, दिस वन इज 1 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। Then another one, suppose cos x is equal to 1 upon root 2, 10 x is equal to 1, ये जो है वो trigonometric equation है। यहाँ पर मैंने बहुत ही simple trigonometric equation लिखे हैं। अब trigonometric equation को हम solve करते हैं तो हम दो type के solution find करते हैं। एक तो हम find करते हैं general solution और दूसरा होता है principal solution। जैसे कि हमें 2 sin x equal to 1 दिया गया है, तो 2 sin x equal to 1 means sin x is equal to 1 upon 2. Now sin x is equal to 1 upon 2, तो this one is possible for x equal to pi by 6 and 5 pi upon 6, और ये जो x की दोनों वैल्यू है वो है इन क्लोज इंटरवल 0 टू 2 पाई। जो हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसमें जो x का वैल्यू अगर क्लोज 0 टू ओपन 2 पाई में होता है तो इनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बराबर, दिस वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है और उसका जो सॉल्यूशन है वो क्लोज इंटरवल 0 टू 2 पाई में है तो इनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हमने cos x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 लिखा है, तो cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, दिस वन इज पॉसिबल फॉर पाई बाय 4 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, इसको आप लिख सकते हैं 8 माइनस 1 दैट इज 7 पाई बाय 4। और ये जो दोनों हमने x की वैल्यू फाइंड की है वो दोनों कहाँ पर है? क्लोज 0 ओपन 2 पाई में, तो ये भी आपके लिए क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बराबर, दिस वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो भी वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 2 पाई है उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट 10x इक्वल टू 1 है, तो 10x इक्वल टू 1 इनके आंसर हो जाएंगे पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। बराबर, ये दोनों ऐसे एंगल हैं बिटवीन 0 एंड 2 पाई, मींस फर्स्ट रोटेशन जो हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज 0 ओपन 2 पाई, ये है 10x इक्वल टू 1 के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बराबर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके बाद आता है जनरल सॉल्यूशन। तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब देखा था तो ये देखा था कि साइन एक्स देन कॉस एक्स देन सेक एक्स कॉस एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन है और इनका जो पीरियड है वो है 2 पाई। ये जो चार फंक्शन मैंने लिखे हैं वो सबका पीरियड 2 पाई है। एंड 10x एंड कॉट एक्स, ये ऐसे दो फंक्शन हैं जिनका पीरियड पाई है। तो ये जो पीरियड है इसी का यूज करके हम जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। जैसे कि देखो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 था, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 हमें मिला है ऑलरेडी। जो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 है। तो अगर मुझे यहाँ से जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो साइन फंक्शन है, इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई है। तो जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई, क्योंकि इसका पीरियड पाई है ना, तो 2n पाई हम ऐड कर लेंगे। तो 2n पाई प्लस पाई बाय 6, जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, n बिलोंग्स टू z, ऐसे ऐसे आपको इसके और सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये जो है वो जनरल सॉल्यूशन हो गया, दिस वन इज जनरल सॉल्यूशन। बाद में हम डिटेल में इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बट अभी जस्ट डायरेक्टली जो हमारा पास नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वहां से लिख रहे हैं हम। सिमिलरली cos x इक्वल टू 1/√2 है, तो x इक्वल टू पाई बाय 4 है, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगर यहाँ से हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो यहाँ पर cos x है, इसका भी पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2n पाई प्लस पाई बाय 4,
वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको पाई बाय फोर ही लिखना चाहिए, आप 7π/4 भी लिख सकते हैं। एनी एंगल विच गिव कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2। बट ज्यादातर हम जनरल में क्या करते हैं कि 0 से 2π में जो फर्स्ट एंगल आता है ना, वही 2n/π/4 में लिखते हैं। ओके, तो 2n/π/4 यहाँ पर एक्चुअली जब फॉर्मूला आएगी तो 2n/+ और -, होगा, बट मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि ओके ऐसे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है टेन एक्स इक्वल टू वन। तो टेन एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू 5/4, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जो फंक्शन है टेन, इसका पीरियड कितना है पाए, तो इसका अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो वो हम लिख देंगे n π + π/4, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये दोनों देख लिया है। और फिर अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए विच सेटिस्फाई बोथ साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 साइमल्टेनियसली। मीन्स साइन थीटा का वैल्यू -1/2 होना चाहिए एंड टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 होना चाहिए, ये दोनों ट्रू होने चाहिए बराबर, साइमल्टेनियसली ये दोनों ट्रू होने चाहिए। और हमें जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये एक पॉजिटिव नंबर है। अब साइन थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन नेगेटिव एंड टेन पॉजिटिव होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बराबर, बट टेन जो होता है वो नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है एंड टेन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हमें जो थीटा है वो कहाँ पर मिलेगा? तो थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? तो हमने सबसे पहले तो क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया है कि भाई हमें थीटा कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें जाना है, तो यहाँ पर क्या होता है पाई, इसमें हम प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट मिल जाएगा, तो इट इज पाई प्लस। अब यहाँ से देखो, माइनस का यूज कर लिया है हमने, प्लस माइनस का यूज करके तो क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया पाई प्लस। अब हम सिर्फ फोकस करेंगे डिजिट के ऊपर 1/2। तो साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, या तो फिर टेन का वैल्यू 1/√3 कब होता है? दोनों में से कोई भी एक ऑब्जर्व करेंगे, कोई एक देखेंगे तो भी हो जाएगा हमारा काम। तो साइन का वैल्यू 1/2 वो होता है π/6 पर। तो थीटा हमें मिल चुका है π + π/6, that is 7π/6, right? And this one is in close 0 to open 2π. हमें क्या चाहिए? जनरल वैल्यू। तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया गया है, साइन है, इसका पीरियड 2π होता है। पीरियड ऑफ साइन, जो साइन फंक्शन है इसका पीरियड 2π होता है, एंड पीरियड ऑफ नेक्स्ट मीन्स जो सेकेंड फंक्शन है इसका पीरियड है पाई। तो हमें ये दोनों का एलसीएम 2π मिल जाएगा। तो जो हमारा थीटा है वो इन जनरल लिख पाएंगे हम 2n π + 7π/6 बराबर। ये दोनों फंक्शन पीरियडिक फंक्शन थे, इसमें साइन का पीरियड 2π था, टेन का पीरियड पाई, तो ये दोनों का एलसीएम 2π हो गया। तो यहाँ पर हमने 2n π प्लस ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो कर दिया है, और यहाँ पर हम लिख देंगे एन बिलोंग्स टू जेड। सो दिस वन इज जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई आर साइन थीटा इक्वल टू 3 एंड आर इक्वल टू 4 इंटू 1 + sin θ, वेयर 0 < or = θ > or = 2π। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है r sin थीटा इक्वल टू 3, एंड सेकेंड में हमें r का वैल्यू दे दिया है और वो है 4 इंटू 1 + sin θ।
अब यहाँ पर r sin theta इक्वल टू 3 है, r का वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 1 प्लस sin theta, तो इसका यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस sin theta इंटू sin theta इज इक्वल टू 3। यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू sin theta, दैट इज 4 sin theta, देन प्लस 4 sin theta इंटू sin theta, that is sin square theta equal to 3. So we can write 4 sin square theta plus 4 sin theta minus 3 equal to 0. This one is quadratic in sin theta. अब यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया गया है 4 और लास्ट में है 3. 4 3 जा 12. 12 के फैक्टर जिनका सब्सट्रैक्शन आना चाहिए 4. ओके, तो 12 मतलब 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो इनको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0. फ्रॉम फर्स्ट टू 2 साइन थीटा कॉमन, तो हमें रिमेनिंग जो मिलेगा वो होगा 2 साइन थीटा प्लस 3, एंड फ्रॉम दिस टू माइनस 1 कॉमन, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है. अब जो फर्स्ट फैक्टर है वहां से हमें मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, एंड सेकेंड जो है वो हमें देगा साइन थीटा इक्वल टू -3/2, बट दिस वन इज नॉट पॉसिबल. बराबर, ये जो है सेकेंड ये पॉसिबल नहीं है. रीजन, जो साइन थीटा है इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, दैट्स व्हाई साइन थीटा इक्वल टू -3/2 इज नॉट पॉसिबल. तो हमें साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मिला है, और हमें जो थीटा है वो कहां पर लेना है, 0 से 2 पाई के बीच में, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, दिस वन इज पॉसिबल फॉर पाई बाय 6, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, मींस पाई माइनस पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, मींस दिस इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन इन क्लोज 0 टू क्लोज 2 पाई. क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 16 sec cube theta minus 12 tan square theta minus 4 sec theta equal to 9 इन ओपन इंटरवल -π to π. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिए गए हैं वो एक sec है और tan है, तो सिंगल फंक्शन में हम कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, तो 16 sec cube theta minus 12, अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, और वो जो आइडेंटिटी था sec square theta minus tan square theta is equal to 1, and therefore 10 square is sec square minus 1. तो यहाँ पर ये 10 square की place पर हम लिख देते हैं sec square theta minus 1 minus 4 sec theta is equal to 9. 16 sec cube theta minus 12 sec square theta minus minus plus 12 minus 4 sec theta इक्वल टू 9 है, तो इनको लिख देते हैं -9 इक्वल टू 0. 16 sec cube theta minus 12 sec square theta, then minus 4 sec theta, 12 minus 9, that is 3 equal to 0. अब यहाँ पर हम sec की प्लेस पर cos का यूज करना चाहते हैं, तो sec मतलब 1/cos, और अगर हम 1/cos का यूज करेंगे sec की प्लेस पर 1/cos और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 16 माइनस 12 cos थीटा देन माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 3 cos क्यूब थीटा. हमने क्या किया है यहाँ पर, ये जो sec क्यूब है उसकी प्लेस पर 1/cos³, ये 1/cos² 1/cos, और फिर हमने LCM ले लिया है. अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले तो cos³ से स्टार्ट करते हैं, तो ये 3 टाइम्स cos³ माइनस 4
4 cos square theta minus 12 cos theta plus 16 equal to 0. अब यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिला है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो डायरेक्टली हम थोड़े बहुत हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे. मतलब अगर मैं कॉस थीटा है इसको थोड़ी देर के लिए टी लिख देता हूँ क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा सिंपल लगे, या तो एक्स लिख देते हैं. अगर कॉस थीटा की प्लेस पर मैं एक्स लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 3x³ माइनस 4x² माइनस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हीट एंड ट्रायल, मान लो कि मैंने x इक्वल टू 1 सिलेक्ट किया है. अगर मैं x इक्वल टू 1 सिलेक्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 16. इसका वैल्यू 0 तो नहीं है बराबर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 मिलेगा. एक और ट्राई करते हैं x इक्वल टू 2. ज़्यादातर 1 टू 3 में ये क्वेश्चन हो जाते हैं. अगर हम x इक्वल टू 2 ट्राई करते हैं तो सबसे पहले तो हमें मिल जाएगा 2³, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 ये हो गया 24, देन 2 स्क्वायर 4 एंड 4, तो 4 इंटू 4 ये हो जाएगा प्लस 16, देन 12 इंटू 2, तो 12 इंटू 2 ये हो गया, यहाँ पर मेरा मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस 16 होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है. ओके, तो 24 माइनस 16, देन 12 टू 24 एंड लास्ट में है प्लस 16. अब यहाँ पर देख सकते हैं 24 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 16 ये कैंसिल हो गया और हमें 0 मिल चुका है. तो एक फैक्टर हमें पता चल चुका है x इक्वल टू 2. तो x इक्वल टू 2 है इसका मतलब वन फैक्टर x माइनस 2. सेकेंड फैक्टर आप सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड कर सकते हैं जो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएंगे. तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 माइनस 4 माइनस 12 एंड लास्ट में 16, यहाँ पर लिख देते हैं 0, ऐड कर लेते हैं 3 प्लस 0 ये हो गया 3, x इक्वल टू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 3 टू जा यहाँ पर जो नंबर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू जा 6, क्रॉस में लिख दिया, एडिशन करते हैं तो यहाँ पर ये एडिशन 2 हो गया, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 टू जा 4, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 4, माइनस 12 एंड 4 ये दोनों का एडिशन हो जाएगा माइनस 8, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर लिख देना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 ये हो गया 0. तो वन फैक्टर इज x माइनस 2 एंड सेकंड फैक्टर इज 3x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 8 ये 24 हो जाएंगे, 24 के फैक्टर सब्ट्रैक्शन करके 2 लाना है तो ये फैक्टर हो जाएंगे 6 एंड 4. ओके, तो यहाँ पर ये x माइनस 2 देन 3x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 2 देन फ्रॉम दिस टू 3x कॉमन तो x प्लस 2 एंड ये जो नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ है उसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं माइनस 4. ओके, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन. बराबर, अब यहाँ पर जो स्पेस बचा है उसका यूज कर लेते हैं. तो एक तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा या तो फिर x इक्वल टू 4/3 या तो फिर x इक्वल टू माइनस 2. बट ये x जो है वो तो हमने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे लिए सिंपल हो इसलिए लिखा था. एक्चुअली तो ये x कौन था, cos थीटा था. तो यहाँ से हो गया cos थीटा इक्वल टू 2. अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos का रेंज तो माइनस 1 टू 1 होता है. देन सेकेंड में से हो गया cos थीटा इक्वल टू 4/3, ये भी नंबर मोर देन 1 है तो ये भी पॉसिबल नहीं है. देन cos थीटा इक्वल टू माइनस 2, ये भी पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि cos का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो माइनस 1 होता है. तो ये तीनों जो हमें cos की वैल्यू मिली है वो तीनों पॉसिबल नहीं है. एंड दैट्स व्हाई वी से नो सॉल्यूशन, मींस इसके बिटवीन माइनस पाई एंड पाई कितने सॉल्यूशन है, जीरो सॉल्यूशन. बराबर, क्योंकि हमें पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सो इट हैज जीरो सॉल्यूशन इन माइनस पाई टू पाई.
क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो इन क्लोज इंटरवल माइनस टू पाई टू टू पाई, मीन्स हमें यूनिट सर्कल के दो रोटेशन दिए गए हैं और उसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे ये इक्वेशन के, वो फाइंड करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हम श्रीधर आचार्य फॉर्म यूज कर सकते हैं या तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करूंगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू वन। अब हमें लेफ्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट टर्म वन बाय फोर चाहिए, बराबर। तो ये हमने वन बाय फोर दोनों साइड ऐड कर लिया। अब ये वन बाय फोर मैंने डायरेक्टली कैसे बोल दिया, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आपको इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, विद एग्जाम्पल जा रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, अगर ऐसा कोई भी एक्स स्क्वायर देन एक्स एंड देन कॉन्स्टेंट है, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आपका लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, बट ये याद रखना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन होना चाहिए। तो लास्ट टर्म होता है जो एक्स का कोएफिशिएंट है, मिडल में जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो है थ्री, उसको टू से डिवाइड कर लो और फिर उसका स्क्वायर कर लो तो आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर एक्स मिला था, तो इसका कोएफिशिएंट क्या था, वन था, तो मिडल में साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया, माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन टू इसका स्क्वायर, तो ये हो गया वन बाय फोर, तो मैंने वन बाय फोर दोनों साइड ऐड कर लिया। नाउ लेफ्ट साइड इज साइन एक्स माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर एंड दिस वन इज फाइव अपॉन फोर, फोर प्लस वन दैट इज फाइव बाय फोर, एंड सो साइन एक्स माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट फाइव अपॉन टू। सो वी कैन राइट साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट फाइव अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू। अब यहाँ पर हमें साइन एक्स की दो वैल्यू मिली है, इनको वापस देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई नंबर मोर देन वन हो या तो लेस देन माइनस वन हो। तो फर्स्ट जो है प्लस साइन का अगर यूज करते हैं तो ये होगा रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू, अगर हम प्लस का यूज करते हैं तो रूट फाइव प्लस वन, डिनोमेटर टू है। अब ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन वन हो जाएगा, बराबर, ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन वन है एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट पॉसिबल, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम सेकेंड नंबर देखते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू, यस दिस वन इज बिटवीन माइनस वन एंड वन, तो ये पॉसिबल है। तो साइन एक्स का वैल्यू माइनस रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू आया है। अब साइन का जो भी वैल्यू है, सपोज कि अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा, साइन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू है, तो ये वैल्यू एक रोटेशन में मतलब जीरो से टू पाई, ये जो रोटेशन है इसमें साइन का वैल्यू वन बाई टू कितनी बार पॉसिबल है, टू टाइम्स। अगर आप साइन एक्स का वैल्यू माइनस वन अपॉन टू लेते हैं तो ये भी वैल्यू कितनी बार पॉसिबल है, टू टाइम्स पॉसिबल है। हाँ, एक वैल्यू ऐसी है जो जीरो से टू पाई में एक ही बार पॉसिबल है और वो है साइन एक्स इक्वल टू वन एंड अनदर वन इज साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन। ये दो ऐसी वैल्यू है जो बिटवीन जीरो एंड टू पाई एक ही बार पॉसिबल है। जीरो दो बार पॉसिबल है, जीरो इवन अगर यहाँ पर क्लोज लेते हैं तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो थ्री बार पॉसिबल हो जाएगा, बराबर। बट अगर वन माइनस वन एंड जीरो इनके अलावा कोई भी वैल्यू है तो जीरो से टू पाई में ये कितनी बार पॉसिबल हो जाएंगे, टू टाइम्स पॉसिबल होंगे। तो इन क्लोज इंटरवल जीरो टू टू पाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू इज पॉसिबल पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट एक्स, बराबर। इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं जीरो से टू पाई में। अब आपको क्या दिया गया है, माइनस टू पाई से टू पाई दिया गया है, तो इन माइनस टू पाई टू जीरो ऑल्सो इट हैज टू सॉल्यूशन, ये भी तो एक
कंप्लीट रोटेशन है माइनस टू पाई से जीरो, तो इसमें भी sin x का वैल्यू दो बार पॉसिबल है। ये x आपको दो ऐसे x मिलेंगे जिसके लिए sin x इक्वल टू माइनस रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू पॉसिबल है। तो जीरो से टू पाई में हमारे पास दो सॉल्यूशन है, माइनस टू पाई से जीरो में भी हमारे पास दो सॉल्यूशन है। तो इन जनरल आप बोल सकते हैं, मीन्स इन जनरल नॉट इन जनरल, इन माइनस टू पाई टू टू पाई इन क्लोज इंटरवल माइनस टू पाई टू टू पाई इट हैज फोर सॉल्यूशन। बराबर, ये जो इक्वेशन है इसके टोटल चार सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है वो नहीं पूछा, कितने सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन है हमारे लिए। x belongs to open 0 to 2 pi, y belongs to open interval 0 to 2 pi, then find number of distinct order pairs x, y satisfying 9 cos square x plus x square y minus 6 cos x minus 4 sec y plus 5 equal to 0. Okay. तो सबसे पहले तो हमें 9 cos square x plus sec square y minus 6 cos x minus 4 sec y plus 5 equal to 0. यहां पर दो दो वेरिएबल है, cos x एंड sec y, एंड cos का भी स्क्वायर दिया गया है, sec का भी स्क्वायर दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करें हम। तो सबसे पहले ये जो 9 cos square x है इनको हम लिख सकते हैं 3 cos x इनका स्क्वायर। ओके, अब ये जो माइनस 6 cos x है इनको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 cos x। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म माइनस टू ए बी होता है, तो लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये है ए 3 cos x का स्क्वायर माइनस 2 ए 3 cos x है, तो यहाँ पर ये 6 cos x हो गया 2 इंटू 3, इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो लास्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 होना चाहिए। ओके, अब sec square y जो टर्म है उनको देख लेते हैं, तो प्लस sec square y मीन sec y इनका स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 sec y हमने लिख दिया क्योंकि sec y का स्क्वायर था। अब हमारे पास तो 4 दिया गया था, ये तो 2 sec y है, तो अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया है 2ab, और अगर b 2 है तो लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 स्क्वायर। अब जरा देख लेते हैं हमने क्या क्या खुद लिखा है। बराबर, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, एंड 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 1 5। ओके, हमें एग्जैक्टली 5 दिया गया था, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है। ओके, अब 3 cos x square minus 2 into 3 cos x into 1 plus 1 square इनको लिख सकते हैं 3 cos x minus 1 whole square, first 3 term है, and जो next 3 term है वहां से हमें मिल जाएगा sec y minus 2 whole square equal to 0। अब 3 cos x minus 1 whole square प्लस sec y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस वन इज पॉसिबल ओनली इफ 3 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 एज वेल एज एंड, मतलब ये दोनों का वैल्यू अगर 0 होता है तो ही ये पॉसिबल है, दोनों एक साथ 0 होने चाहिए। इसका मतलब cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड sec y is equal to 2। अब हमें जो इंटरवल दिया गया है वो है 0 to 2 pi, और यहाँ पर भी 0 to 2 pi है, तो cos x का वैल्यू 1 upon 3 between 0 and 2 pi कितनी बार पॉसिबल है, 2 times पॉसिबल है। और मान लो कि वो जो वैल्यूज है, क्योंकि हमें एंगल दिया गया है, मतलब वैल्यू 1 upon 3 है,
तो एग्जैक्टली तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने मान लिया कि x1 एंड x2 दो वैल्यू पॉसिबल होगी बिटवीन 0 एंड 2 पाई। sec y का वैल्यू 2 है तो ये भी हमें बिटवीन 0 एंड 2 पाई दो बार पॉसिबल मिलेगा। एक मान लो y1 है और सेकेंड है y2। तो अब हम कितनी टोटल ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं? तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, y की दो वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ से हम डिफरेंट ऑर्डर बराबर डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स कितनी बना सकते हैं? 2 × 2 मतलब कि 4 ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं। ओके, एक आप x1 का साथ y1 का ऑर्डर पेयर बनाया हो, फिर x1 का y2 के साथ x2 एंड y1 एंड x2 एंड y2, ये टोटल 4 ऑर्डर पेयर्स हमें मिल जाएगी यहाँ से। क्वेश्चन इज इफ 2 tan स्क्वायर x माइनस 5 sec x इक्वल टू 1 फॉर एग्जैक्टली 7 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू क्लोज n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। ये जो इक्वेशन है इसके एग्जैक्टली 7 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है तो n का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिट सर्कल का यूज होगा बराबर। तो यूनिट सर्कल मैंने ऑलरेडी साइड में रखा है, देखते हैं फिर इक्वेशन में। अब यहाँ पर 2 tan स्क्वायर x है एंड 5 sec x है तो हमें सिंगल वेरिएबल चाहिए, और अगर सिंगल वेरिएबल चाहिए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे आइडेंटिटी का यूज करके। सिंगल वेरिएबल में आना चाहते हैं हम, तो यहाँ से tan स्क्वायर की प्लेस पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 5 sec x इज इक्वल टू 1 था तो ये लिख दिया माइनस 1 इक्वल टू 0 बराबर। हमने पहले स्टेप से इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ दिस वन इज 2 sec स्क्वायर x 2 इंटू माइनस 1 तो ये माइनस 2 और लास्ट में माइनस 1 है तो ये होगा माइनस 3 और यहाँ पर मिडल में माइनस 5 sec x इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर लेते हैं 2 sec स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 3 6 है तो 6 sec x देन प्लस sec x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट टू 2 sec x कॉमन, अगर 2 sec x कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा sec x माइनस 3 एंड फ्रॉम दिस 2 प्लस 1 ओके इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिल चुका है हमें sec x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 पर दिस वन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जो sec का रेंज होता है वो होता है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब sec x equal to 3 अब ये पॉसिबल है। sec x equal to 3 इसके हमें एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन चाहिए बिटवीन 0 एंड n पाई बाय 2 तो n का मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है वेयर n इज नेचुरल। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से sec x का वैल्यू 3 है, फर्स्ट रोटेशन में ये दो वैल्यू हमें देगा तो 0 से अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं 0 से लेके ऐसे 2 पाई तक तो इन 0 टू 2 पाई हमें दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, देन 2 पाई से स्टार्ट करेंगे एंड 4 पाई तक आएंगे तो और दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे 2 पाई टू 4 पाई, इसमें दो और सॉल्यूशन मिल गए। अब 4 पाई से अगर हम स्टार्ट करते हैं और 4 पाई से 6 पाई तक आते हैं तो और दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं हमें 4 पाई टू 6 पाई, इसमें दो सॉल्यूशन। अब हमें कितने चाहिए? 7, मींस एक ही सॉल्यूशन बचा है हमारे लिए। ओके, अब यहाँ पर ऑलरेडी हम 6 पाई पे आ चुके हैं, यहाँ पर कितना होगा? तो अगर हम 6 पाई है यहाँ से आगे चलते हैं तो ये मिल जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाय 2 और ये जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो sec ऑलरेडी पॉजिटिव होगा तो sec का वैल्यू 3 हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर तो हमारा sec x इक्वल टू 3 पॉसिबल है तो हमें 7 सॉल्यूशन मिल चुके हैं, बट ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, इससे आगे जाओ मैक्सिमम 7 मिलने चाहिए, नेक्स्ट 8 नंबर का सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए, 7 जब तक मिलता है तब तक आप चलते रहो। तो यहाँ पर ऑलरेडी 7 सॉल्यूशन हो चुके हैं, अब आगे चलते हैं हम 6 पाई प्लस पाई बाय 2 यहाँ पर आ गए हम तो ये कितना हो गया 6 पाई
प्लस पाई, बट यहाँ पर sec x क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो अभी भी 7 सॉल्यूशन है। इससे आगे चलते हैं हम, 6 पाई से यहाँ तक आ गए हम, तो ये हो गया 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, बराबर। यहाँ पर हम जनरल में लिखते हैं ना पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो ये 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 है। ये एक और क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें sec क्या है, नेगेटिव है, तो अभी भी 7 सॉल्यूशन है। बट अगर आप इससे आगे जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sec क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा, और हमें sec x इक्वल टू 3 है, तो आपके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 8 सॉल्यूशन हो जाएंगे। आपको 7 सॉल्यूशन दिया गया है, इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकते हैं, 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 तक जा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कितना हो गया, 6 टू द 12 प्लस 3, 15 पाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2, एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज 15। तो हमें जो पूछा था ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n इज 15। ओके,